नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। और आज हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट मेहमान है, मिस्टर प्रमोद राय जी। और इनके बारे में आपको सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये IITian है और सिविल सर्विसेज में ये IRS रह चुके हैं, कस्टम डिपार्टमेंट में, और इसके साथ साथ में IFS भी हैं। और लॉ की इन्होंने पढ़ाई करी है LLB इंडिया से, और LLM किया इन्होंने USA से। और अभी एक स्कूल खोलने जा रहे हैं हमारे चंपारण में, जिसका नाम है वेदांता पब्लिक स्कूल, और इसके ये चेयरमैन भी हैं। तो प्रमोद राय जी, सर आपका बहुत बहुत सर स्वागत है हमारे चैनल पे। भाषा के मामले में मेरा एक जुड़ा हुआ एक सवाल है कि सर, आपने देखा होगा कि बिहार के जितने भी स्कूल हैं, नर्सरी से ही इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो बिहार के बच्चे होते हैं वो इंग्लिश बोलने में ज़्यादा सक्षम नहीं होते, और बाद में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप इंग्लिश के भाषा के मामले में आप अपने स्कूल में क्या करने वाले हैं? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, आजकल स्लोगन बन गई हैं, जुमला। ठीक है, हमने एक जैसे पहले होता था गरीबी हटाओ, लेकिन उससे तो गरीबी नहीं हटी। जी। तो वैसे ही इंग्लिश मीडियम स्कूल भी आज के डेट में, आज की तारीख में एक जुमला है। ठीक है, सारे स्कूल लिखते हैं इंग्लिश मीडियम। ठीक है, तो फोकस जो है उस इंग्लिश मीडियम लिखने पे है, न कि उस अंग्रेजी वाली शिक्षा में। मुझे मालूम है कि इस देश में अंग्रेजी शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपको हिंदी नहीं आती है, फिर भी आप अच्छा रोजगार पा सकते हैं, लेकिन यदि आपको अंग्रेजी नहीं आती तो आप शीर्ष पद पर नहीं पहुंच सकते हैं, जरूरी है। लेकिन ये सब के बाद अगला प्रश्न है कि आप ऐसे बच्चों को जो जिनके घरों में अंग्रेजी नहीं बोली जाती, नहीं समझी जाती, भोजपुरी बैकग्राउंड से आते हैं, उनको आप अंग्रेजी कैसे सिखाएंगे? तो आजकल विद्यालय कर क्या रहे हैं, एक तो जो शिक्षकों की गुणवत्ता है वो बहुत निम्न है, जी उनको खुद भी अंग्रेजी नहीं आती है, तो वो बच्चों को रटा रहे हैं, और रटा रटा के उनकी कोशिश है कि बच्चों को अंग्रेजी सिखा दें। तो रटने से बच्चों का मानसिक विकास नहीं होगा, बच्चे कभी अंग्रेजी नहीं समझ पाएंगे। छोटे क्लासों में क्या होता है कि सिलेबस कम है, तो थोड़ा बहुत वो रट लेते हैं, कुछ कविता रट लिया, पोएट्री रट लिया, पेरेंट्स आते हैं, बच्चा सुना देता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और पेरेंट्स को लगता है कि अरे उसके बच्चे को तो अंग्रेजी आ गई, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि उसको असल में तोता बनाया हुआ है। और जैसे तोता राम राम बोलता है बिना राम राम के मतलब को समझे, वैसे ही बच्चा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बोल रहा है। तो चूंकि ये प्रोसेस जो अप्रोच है अंग्रेजी सिखाने का, वही गलत है, इसलिए बच्चे अंग्रेजी सीख नहीं पाते हैं। और बिहार के अधिकांश बच्चे जो भले ही नर्सरी से अंग्रेजी में पढ़ाई कर रहे हैं, अंग्रेजी न लिख पाते हैं न बोल पाते हैं। वेदांता पब्लिक स्कूल में हम लोगों ने जो वेस्ट पश्चिम के जो सभ्य देश हैं उनके यहाँ जो शिक्षा की जो मेथडोलॉजी है, टीचिंग मेथडोलॉजी, हमारे यहाँ भी जो शिक्षाविदों का मत है, उसके हिसाब से उन बच्चों के लिए जिनके घरों में अंग्रेजी नहीं बोली जाती, उनको अंग्रेजी कैसे सिखाई जाए, एक हम लोग यूनिक तरीके से उनको अंग्रेजी सिखाने वाले हैं, जिसमें रट्टा पे बिल्कुल फोकस नहीं होगा, और पूरा का पूरा जो फोकस है वो कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग, सिद्धांतों के आधारित, समझ के आपको पढ़ना है, कुछ भी रटना नहीं है, और वैसा होगा तभी आप अंग्रेजी सीख पाएंगे। जैसे हम लोग भी अंग्रेजी कैसे सीखे, देखिए चंपारण से पढ़ने वाला हर एक बच्चा तो IIT नहीं पहुंचा, हर एक बच्चा तो सिविल सर्विसेज नहीं पास किया। तो जो बच्चा पास किया उसमें एक फर्क है, हम लोगों ने कभी कोई चीज़ रट्टा नहीं, हर चीज़ समझ के पढ़ा। और यही एक्सपेरिमेंट मैं बाकी बच्चों पे करने वाला हूँ कि वेदांता पब्लिक स्कूल में हम बिल्कुल रटने पे जोर नहीं देंगे, और समझ के पढ़ेंगे तो अंग्रेजी भी सीखेंगे, अंग्रेजी भाषा में दूसरे विषय भी सीखेंगे। क्योंकि भाषा क्या है, भाषा तो एक माध्यम है ताकि हम अपनी बात किसी और तक पहुंचा सकें और दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ सकें। तो जब आप समझ के करेंगे तो उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा। जी सर, आपने जो ये रट्टा मारने वाली पढ़ाई और जो कंसेप्ट वाली पढ़ाई की बात की है, तो उसके बारे में जरा आप हमें बताएंगे कि ये इसका क्या तात्पर्य है कि रट्टा मारने वाली पढ़ाई और कंसेप्ट वाली पढ़ाई का आपका क्या तात्पर्य है, इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताने का कृपा करें। चलिए, ये भी आपने बड़ा ही उपयुक्त सवाल किया है।
मैं बहुत सारे बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ, और इसमें एक उदाहरण के साथ आपको बताता हूँ। न्यूटन के गति के नियम सातवीं क्लास से पढ़ाए जा रहे हैं। अभी हाल ही में मुझे MJK कॉलेज का एक बच्चा मिला जो फिजिक्स ऑनर्स कर रहा है, भौतिकी ऑनर्स। तो उससे मैंने पूछा कि भाई न्यूटन के गति के का प्रथम नियम क्या है, और आपने भी सुन रखा होगा, कोई वस्तु यदि स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल, एक्सटर्नल फोर्स न लगे। बच्चे ने रट रखा था, उसने बता दिया मुझे। तो मैंने उससे ये पूछा कि तुम अभी क्लास में बैठे थे और क्लास से तुम बाहर निकल के आ गए, तो ये कौन सा बाह्य बल है जो आपको बाहर लेके आ गया? वो बता नहीं पाया। बोले कि मैं दिमाग से सोचा इसलिए बाहर आ गया। मैं बोला अच्छा, तुम्हारा जो दिमाग है तुम्हारे लिए इंटरनल है या एक्सटर्नल है, आंतरिक है कि बाहरी है? नंबर दो, क्या ये कोई फोर्स है दिमाग से सोचना? तो फिर यहीं से सोच के आप एक गन्ने का बोझा एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा दो। तो जो जो रट रखा है उसका असल में मतलब नहीं समझता है। उसी तरीके से हम सब पढ़ते रहते हैं कि हीट जो है उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर जाता है, ठीक है। अब गर्मी के दिनों में कमरे के अंदर का तापमान है 35 डिग्री, बाहर का तापमान है 45 डिग्री, हम एयर कंडीशनर चलाते हैं और अंदर का हीट वो बाहर निकाल देता है, अंदर और ठंडा हो जाता है, 30 डिग्री हो गया जी। तो क्या उस सिद्धांत की अवहेलना हो रही है कि हीट जो है उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर जाता है? यहाँ तो उल्टा हो रहा है जी। अब ये बच्चा इंजीनियरिंग कर रखा है बट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि कौन सा सिद्धांत गलत हो गया, या गलत नहीं है तो फिर ये एयर कंडीशनर अंदर की हीट को उच्च तापमान वाले बाहर कैसे भेज पाता है? और ये इसलिए हो रहा है कि सब इस तरीके का सवाल आएगा तो ये फॉर्मूला से होगा, ये रट लो, इस तरीके का सवाल आएगा तो दूसरा फॉर्मूला रट लो। बच्चे समझ नहीं रहे हैं, और यही जो रटने वाला चीज़ है जिसके चलते जो दो चार बच्चे हैं जो कंसेप्ट बेस्ड पढ़ाई करते हैं असल में कंपटीशन वही पास करते हैं, और अधिकांश बच्चे जो इस रटने के चक्कर में लगे हैं वो सब सबकी पढ़ाई लड़खड़ा रही है और कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। अभी देश में बोलते हैं कि बेकारी है, बट मेरे हिसाब से बेकारी अलग तरीके की है। जो लोग काम कर सकें ऐसे लोगों की भारी कमी है, जो लोग खड़े हैं वो उनमें काम करने की क्षमता नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ कि शिक्षकों का तनख्वाह हम लोगों ने वेदांता पब्लिक स्कूल में मिनिमम 15,000 रखा है पर मंथ, साथ में रहने की सुविधा भी दे रहे हैं, और 15,000 से 45,000 टीचर का तनख्वाह रख रहे हैं। मेरे पास ढंग के शिक्षक नहीं आ रहे हैं, सैलरी का इशू नहीं है। जो शिक्षक वास्तव में पढ़ा सके, जो खुद समझता हो, इस तरीके के शिक्षकों की कमी है। तो आज के परिवेश में ये ज़रूरत है कि हम उस रट्टा बेस्ड पढ़ाई को छोड़ें और बच्चों के समग्र विकास के लिए कंसेप्ट बेस्ड पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करें। तो सर, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, और ख़ास करके हमारे चंपारण के ग्रामीण क्षेत्र में एक क्वालिटी एजुकेशन और कंसेप्ट एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए आप इतने सारे क्वालिफाइड टीचर फिर आप कहाँ से लेके आएंगे? जनरली देखा गया है कि लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जाके पढ़ाना नहीं चाहते, तो इस तरह के क्वालिफाइड टीचर आप कैसे मैनेज करेंगे? ये भी एक बहुत उम्दा सवाल है और आज की परिस्थिति में एक विकट समस्या है। जी जी बिल्कुल। चूंकि आधा गड़बड़ी या आधा से ज्यादा तो सरकार ने किया हुआ है। जैसे पहले इंजीनियरिंग को या लॉ को एफिलिएशन नहीं देते थे, अब इन्होंने इंजीनियरिंग, MBA, लॉ की इतनी सीटों को एफिलिएशन दे दिया है कि जो बच्चा BTech करना चाहता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो अब BEd करने के लिए अच्छे बच्चे उत्सुक नहीं हैं,
यदि बीटेक की एफिलिएशन कम सीटों की होती, उतने ही सीटों की होती जितना मार्केट में रोजगार है, तो बीएससी बीएड करने के लिए भी अच्छे बच्चे आते। तो बीएड का जो टैलेंट पूल है वो थोड़ा खराब हो रखा है। फिर भी ये समस्या है, अब इसमें हम कैसे ऑपरेट करेंगे? तो वेदांता पब्लिक स्कूल का एक प्लान है, एक तो हम टीचर की सैलरी ज़्यादा रख रहे हैं, हम 10,000 पर मंथ पे भी टीचर बुलाएं, टीचर हमको मिल सकते हैं, लेकिन मैं केवल गिनती के लिए टीचर नहीं बुलाना चाहता जी। मैं क्वालिटी के लिए बुलाना चाहता हूँ। तो जो भी अवेलेबल लॉट है, यदि हम थोड़ी तनख्वाह ज़्यादा अच्छा रखेंगे तो हमारे पास अच्छे टीचर आएंगे। और ग्रामीण इलाका जरूर है, लेकिन हम सारे शिक्षकों को अपने कैंपस में रहने की सुविधा दे रहे हैं। जो शिक्षक हैं उनके लिए प्राइवेट कोचिंग, प्राइवेट ट्यूशन हमने वर्जित किया हुआ है, तो थोड़े बेहतर टीचर आएंगे। नंबर दो, वो जो जो भी ट्रेनिंग लेके आते हैं, बीएड या प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग, मैं उस पर निर्भर नहीं हूँ। हमारे यहाँ जो टीचर आएंगे उनको हम लोग ट्रेन करने वाले हैं कि बच्चों को पढ़ाते कैसे हैं। अच्छी बात है, ठीक है। तो इंटरनल ट्रेनिंग दे रहे हैं। और जैसे अब हमारे प्रिंसिपल हैं मिस्टर बिमल तिर्की, वो दार्जिलिंग साइड से आए हुए हैं, उनका करीब 15-20 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो बाहर से भी काफ़ी शिक्षक लेके आ रहे हैं। और सबको हमने, हमारा कंपटीशन चंपारण के किसी विद्यालय से नहीं है। हमारे यहाँ टीचर की या प्रिंसिपल की सैलरी हम अगल बगल के स्कूल को देख के हमने नहीं किया है जी। इंडिया लेवल पे हमने इस तरीके से पैकेज रखा है कि चंपारण में आना उनके लिए भी फायदेमंद हो। मेरी पूरी कोशिश है कि वेदांता पब्लिक स्कूल नेतरहाट टाइप का, नवोदय विद्यालय टाइप का एक अग्रणी शिक्षा संस्थान के रूप में एस्टेब्लिश हो। इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल मेरे मन में आ रहा है, शायद मेरे बहुत सारे दर्शक भी पूछना चाह रहे होंगे कि जिस तरह की आप शिक्षकों की बात कर रहे हैं जो आप ज्यादा पे करेंगे, तो आप जैसा जानते हैं कि बिहार में गरीबी है, तो ऐसे महंगे शिक्षकों या ऐसी महंगी पढ़ाई को कैसे अफोर्ड कर पाएंगे, इसके बारे में फिर आपका जो संस्था है या जो वेदांता पब्लिक स्कूल है इसके बारे में क्या करने वाली है? देखिए, ये बात तो तय है कि शिक्षकों को यदि हम ज़्यादा सैलरी देते हैं तो पैसा कहीं ना कहीं से तो आना है, ठीक है। अब एक तरीका है कि बच्चों से लिया जाए और दूसरा तरीका है कि कहीं और से लिया जाए। यदि आप प्रॉफिट के लिए कोई स्कूल खोलते हैं एज ए बिजनेस एंटिटी, तो इसमें कोई और जुड़ेगा नहीं। वेदांता पब्लिक स्कूल एक चैरिटेबल संस्था के रूप में स्थापित हो रहा है और प्रॉफिट के उद्देश्य से बिल्कुल नहीं खुला है। हम समाज को एक अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। मैं इसको बोलता हूँ कि ये मेरा सोशल एक्सपेंडिचर है, मैं वहाँ से हूँ, हमने अच्छा किया तो अच्छा कर गए, अपना पेट तो सब पालते हैं, समाज के लिए हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा समाज को पे बैक है। और मुझे ये सब करने में बड़ी खुशी होती है। मुझे ये भी लगता है कि यदि आप अपने बाल बच्चों के लिए प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, नया नया बिजनेस स्थापित कर रहे हैं, समाज में आप कुछ भी खर्च नहीं करते हैं, इसका मतलब यह है कि आपको बड़ी आर्थिक तंगी है, आपके पास बिल्कुल अपने खाने पीने के अलावा कोई सरप्लस पैसा नहीं है जो आप किसी और पे खर्च कर सकें। तो जब मैं समाज के पे ये पैसा खर्च करता हूँ, ये भी एक डिक्लेरेशन है कि नहीं, मेरे खाने पीने का पर्याप्त है मेरे पास, मेरी इतनी क्षमता है कि मैं समाज के ऊपर खर्च कर सकूँ। तो वेदांता पब्लिक स्कूल प्रॉफिट के उद्देश्य से बिल्कुल नहीं खुल रहा है। जब हम इस उद्देश्य से खोल रहे हैं, तो मेरी बहुत सारी लोगों से बात हुई है, आज के रेट में 300 से ज़्यादा आईआईटी ग्रेजुएट इस प्रोजेक्ट से जुड़ चुके हैं, 200 से ज़्यादा सिविल सर्वेंट आईएसआईपीएस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, 100 से ज़्यादा उद्यमी जो उद्योग धंधा चलाते हैं वो लोग जुड़े हुए हैं। और अब चूंकि विद्यालय स्थापित हो रहा है, उनसे सहयोग मिलना भी शुरू हो गया है। जो भी डोनेशन विद्यालय को आता है वो इनकम टैक्स की धारा 80G और 12A के लिए एलिजिबल है। जो उद्यमी इसमें डोनेशन देते हैं उनको एक रिक्वायरमेंट होता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसके तहत भी ये संस्था कवर्ड है
कि बैकवर्ड एरिया में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए है। तो हमारा मोटिव ये है, चूँकि प्रॉफिट मोटिव स्कूल का नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे लोग जो नेक इरादा रखते हैं वो विद्यालय से जुड़ रहे हैं, तो कुछ पैसा जो टीचर को जाएगा या बाकी एक्सपेंसेस में जाएगा वो बच्चों से आएगा और कुछ पैसा इस डोनेशन से आएगा। मेरी पूरी कोशिश है कि बच्चों के ऊपर ये लोड कम से कम रखा जाए। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है जी। कि हम लोगों ने ये ठान लिया है कि पैसे के अभाव में किसी भी बच्चे की पढ़ाई ना रुके। ठीक है, हमने भी जो पढ़ाई की है वो एक अलग युग था, एक अलग समस्याओं से जूझते हुए हम लोगों ने पढ़ाई की थी। तो वेदांता पब्लिक स्कूल में कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा है, जैसे प्रत्येक क्लास के टॉप 10% बच्चों की ट्यूशन फी हम लोगों ने जीरो रखी हुई है, कोई पैसा नहीं देना स्कूल को। चलिए बहुत अच्छी बात। ठीक है, अगला जो 10% है उनको आधी फी देनी है, अगला 10% है उनको 3/4 देनी है। तो प्रत्येक क्लास के टॉप 30% बच्चों को मेधा के आधार पर हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं। अच्छा, इसमें हो सकता है कि कोई बच्चा बहुत अमीर घर से आता हो और वह स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो गया, उसको भी हम रोकेंगे नहीं, उसका हक है, उसने पढ़ाई की है। लेकिन हमने उनको एक ऑप्शन दिया है कि यदि पेरेंट्स सामने आते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा कर रहा है बट मुझे इस सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो वो अपने स्कॉलरशिप का वित्तीय हिस्सा छोड़ सकते हैं। छोड़ेंगे तो स्कूल उसको अपने पास नहीं रखेगा, वो एक अगले एलिजिबल बच्चे को उसको ट्रांसफ़र करेगा। और जो पेरेंट ये दरिया दिली दिखाएंगे उनको हम स्कूल के फंक्शन में थोड़ा आदर सत्कार भी करेंगे कि ये एलिजिबल थे और इन्होंने ये स्कॉलरशिप छोड़ा है। तो और इस तो ये 30% तो प्रत्येक वर्ग में हम छात्रवृत्ति दे रहे हैं जी। इसके अलावा जो वेदांता पब्लिक स्कूल की पैतृक संस्था है जागृति प्रमोद सत्याग्रह फाउंडेशन, हम लोगों ने एक और स्कीम लगाया है। और JPSF का जो असिस्टेंस है ये वेदांता पब्लिक स्कूल के बच्चों के लिए अवेलेबल है और बाहर के बच्चों के लिए भी अवेलेबल है। कोई IIT में पढ़ रहा है वो भी उसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो उसमें हम एजुकेशनल लोन देंगे जिस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, किताब वगैरह खरीदने के लिए सहायता राशि प्रदान करेंगे। तो कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ने में बहुत अच्छा है, फी तो हमने माफ़ कर दी, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि उसके पास इतने भी पैसे नहीं है कि किताब खरीद सके, यूनिफॉर्म बनवा सके, हॉस्टल का चार्ज दे सके, तो उसका हॉस्टल का चार्ज, यूनिफॉर्म, किताब, वो सारा पैसा हम JPSF असिस्टेंट से देंगे। लेकिन जो वेदांता पब्लिक स्कूल का स्कॉलरशिप है जहां हम लोग कमिटेड हैं कि प्रत्येक वर्ग के 30% बच्चों को मिलेगा ही मिलेगा, यहां हमने वो संख्या फिक्स नहीं की है कि कितने बच्चों को JPSF असिस्टेंस देंगे। ये सब डिपेंड करता है कि हमारे पास डोनेशन वगैरह के फंड कितने आते हैं और हम कितने बच्चों को दे पाते हैं, और बच्चों पर भी है कि कितने बच्चे वो क्षमता दिखाते हैं कि ये स्कॉलरशिप हमसे ले पाते हैं। तो सर मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने यहाँ की गरीब जो छात्र हैं उनके लिए आपने स्कॉलरशिप और छात्रवृत्ति की आपने सुविधा रखी हुई है। लेकिन इसके साथ में एक जुड़ा हुआ सवाल भी आता है, यहाँ पे जैसा जानते हैं कि यहाँ पे आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो जो स्कूल का जो फीस है और जो छात्रावास का जो शुल्क है और जो ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है वो कृपया आप बताएंगे कि कितना खर्चा होने वाला है छात्रों को? जो विद्यालय की फी हम लोगों ने तय की है जी। सेशन 21-22 के लिए और आगे भी जिस लेवल पे रहेगा वो इलाके के लोगों की पेइंग कैपेबिलिटी, पेमेंट करने की क्षमता को देखते हुए रखा गया है। तो हम लोगों ने विद्यालय का जो मंथली शुल्क है वो करीब 1000 रुपये प्रति माह के आसपास रखा है। एडमिशन फी जो है वन टाइम है, 5000 छोटे बच्चों के लिए, 7000 बड़े बच्चों के लिए, हर साल एडमिशन फी नहीं देना है। अच्छा, इस मंथली फी और एडमिशन फी के अलावा विद्यालय और कोई चार्ज नहीं लेने वाला है, जैसे डेवलपमेंट चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, स्कूल का एग्जामिनेशन फी, ये भी हम नहीं लेने वाले हैं, कोई दूसरा चार्ज नहीं लेना है। ठीक है, हाँ, बोर्ड का जो एग्जामिनेशन फी होगा वो अलग है, बट स्कूल के जो इंटरनल एग्जामिनेशन होते हैं उसके लिए हम कोई फी नहीं लेने वाले हैं। तो जो आज के डेट में चंपारण में भी, लोकल में भी जो विद्यालय हैं वो मंथली फी, एडमिशन फी, डेवलपमेंट चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज लेके जो बोझ प्रति माह बच्चों पे देते हैं
उससे हमारे विद्यालय का जो एक्सपेंस है कम है, प्रति माह कम है। हमको जो भी लेना होगा हम मंथली ट्यूशन फी में लेंगे, उसको छिपे हुए तरीके से दूसरे तीसरे मद में नहीं लेंगे। साथ ही गार्जियन का खर्चा कम करने के लिए हम लोगों ने कुछ और इसमें जोड़ा है। क्योंकि मुझे मालूम है कि बिल्डिंग जो है वो बच्चों को नहीं पढ़ाने वाली है, और यूनिफॉर्म भी नहीं पढ़ाने वाला है, ठीक है, और महंगे किताब भी बच्चों को नहीं पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे बहुत सारे विद्यालय जो हैं किताब बेचते हैं, हम लोगों ने जो NCERT की किताबें हैं, सरकारी किताब जो जो CBSE में चलती है, वही किताब प्रिस्क्राइब किया हुआ है, जो आप बाहर भी खरीद सकते हैं और वो सस्ते दरों पे उपलब्ध हैं। यूनिफॉर्म के लिए भी स्कूल में थोड़ा एक यूनिफॉर्मिटी रहे, उसके लिए एक मिनिमम प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि जो पैंट है वो डार्क नेवी ब्लू कलर का होगा, कुछ इसी कलर का, ठीक है, और जो शर्ट होगा वो लाइट क्रीम कलर का होगा, और स्पोर्ट्स शूज ब्लैक कलर का, जो स्पोर्ट्स में भी काम आएगा और क्लासरूम में भी बच्चे पहन के आ सकते हैं। बाकी टाई बैज वो सब को हम लोगों ने ऑप्शनल रखा हुआ है, स्कूल के साइड से कोई बंदिश नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, हमने कलर बता दिया जी। स्कूल में हम लोग पेरेंट्स की सुविधा के लिए फैब्रिक वगैरह की व्यवस्था करवा रहे हैं, लोकल टेलर से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि आप स्कूल से फैब्रिक लेके और आप टेलर से, स्कूल टेलर से आप उसको स्टिचिंग करा सकते हैं। लेकिन कोई पेरेंट चाहे तो हम सैंपल दे देंगे, आप उसी कलर का फैब्रिक मार्केट से परचेज कर लीजिए, अपने पसंद के टेलर से आप सिलवा लीजिए। तो स्कूल से यूनिफॉर्म खरीदने के लिए, फैब्रिक खरीदने के लिए कोई बाध्यता नहीं है। तो इससे होगा ये कि यूनिफॉर्म पे जो खर्च है पेरेंट्स का, या बुक्स पे जो खर्च है, वो खर्च भी कम होगा। तो ओवरऑल इस विद्यालय में पढ़ाने वाले जो पेरेंट्स हैं उनका खर्चा कम होगा बाकी स्कूलों की अपेक्षा। इसके साथ ही साथ अब जैसे हॉस्टल है, तो हॉस्टल का शुल्क हम लोगों ने रखा है करीब 4,000 रुपया प्रति मंथ। आज के डेट में मैं देखता हूँ बिहार के जितने शहर हैं, पटना को मैं छोड़ दूँ, जिला मुख्यालय जितने हैं, वहाँ जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, अधिकांश के माता पिता की आमदनी उस शहर से नहीं है, आमदनी कहीं और से है। बच्चे को पढ़ाने के लिए उन्होंने वहाँ कमरे पे किराया पे कोई कमरा ले लिया है, या कुछ घर बनवा रखा है, फैमिली दो पार्ट में हो गई है, और उस सेकंड एस्टेब्लिशमेंट के लिए उनके 5,000 से 10,000, 12,000, 15,000 पर मंथ का खर्चा है, ठीक है। और इस खर्चा के बावजूद रहते कहाँ हैं, एक कमरे में, दो कमरे में, मच्छर काट रहा है, ठीक है, फिर बच्चे को आने जाने में भी बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, ट्रांसपोर्ट पे पैसा खर्च होता है। तो जब आप पेरेंट्स की उस शहर से आमदनी है ही नहीं, तो केवल बच्चे को पढ़ाने के लिए शहर में रहना क्यों है। आप बच्चे को वेदांता पब्लिक स्कूल के छात्रावास में डाल दीजिए, बहुत बड़ा कैंपस है हमारा, ग्रीनरी है, शुद्ध वायु है, मच्छर से नहीं कटवाना पड़ेगा, और वहाँ बच्चा अच्छे परिवेश में गुणवत्तापूर्वक शिक्षा हासिल करेगा। आने जाने का टाइम बचेगा, ट्रांसपोर्ट का भाड़ा बचेगा, और फैमिली जो है यूनाइटेड हो जाएगी, आप फैमिली एक जगह रहे। तो जहाँ आप 10,000 से 15,000 पर मंथ खर्च कर रहे हैं, उसके बदले में आपका मात्र 4,000 रुपया प्रति मंथ एक बच्चे के लिए खर्च होगा, और फैमिली भी यूनाइट हो गई, तो हॉस्टल में भी जिन बच्चों को डालेंगे उनके लिए भी खर्चा बढ़ने वाला नहीं है। तो फी, स्कूल फी और हॉस्टल फी सब इस बात को ध्यान में रखकर किया हुआ है कि आज के डेट में पेरेंट्स पढ़ाई के ऊपर कितना खर्च कर रहे हैं, पूरा इंश्योर किया हुआ है कि उनका खर्चा वेदांता पब्लिक स्कूल में आने के चलते बढ़े नहीं बल्कि घट जाए। तो सर, इसमें हम लोगों ने जैसे देखा है, आप भी जैसा जानते हैं, आपने भी अपने वक्तव्य में कहा कि बहुत सारे स्कूल में देखा गया है कि वो स्कूल यूनिफॉर्म को सेल भी करते हैं, किताबें भी सेल करते हैं। तो मैं सर आपका प्रोस्पेक्टस पढ़ रहा था, उसमें एक बहुत ही यूनिक चीज नजर आई कि आपने कोई यूनिफॉर्म को प्रिस्क्राइब नहीं किया है, यानी कोई मैंडेटरी नहीं किया है कि यूनिफॉर्म पहन के आना बहुत ज्यादा जरूरी है, या आपने अपने प्रोस्पेक्टस में ये नहीं बताया है कि स्कूल जो वेदांता पब्लिक स्कूल है वो किताबें भी बेचेगी। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि स्कूल प्रॉफिट मोटिव से नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जब भी एक बिजनेस की तरह स्कूल चलता है
तो जो फी स्ट्रक्चर है वो भी बिजनेस की तरह होता है कि सामने वाले को पता नहीं चले कि कितना पैसा ले रहे हैं और पैसा आ भी जाए। आप देखे होंगे कि 4 डिजिट में प्रोडक्ट की प्राइस नहीं होती है, 999, 999, बट 999 क्या है, 1000 ही तो है, ठीक है। फिर बोलेंगे अच्छा आपको 50 रुपये प्रति माह पे आप कनेक्शन लेके जाओ, फिर कॉलर ट्यून के लिए 30 रुपये अलग से, ठीक है, आपको नहीं चाहिए तो भी दे देंगे। तो उसी तरीके से विद्यालयों में भी हो रहा है, दिखा दिया 1000 रुपये प्रति माह फी लेते हैं लेकिन हर साल एडमिशन फी है। और वो क्यों है कि जब आप प्रॉफिट मोटिव से चलाएंगे तो आपको सरप्लस जनरेट करना है, आपको प्रेशर है पैसा कहाँ से आएगा, और ज़्यादा दिखना भी नहीं चाहिए। तो फिर साथ में यूनिफॉर्म आप 10 रुपये में खरीदेंगे, 15 रुपये में बेचेंगे, किताब जो है आप खुद छपवाते हैं, प्राइवेट पब्लिशर का है उसमें 30-40% का कमीशन आता है जी। या अपना स्कूल के नाम के साथ आप 300 रुपये MRP पर किताब छपवा देंगे बट आपको तो 100 रुपये या 50 रुपये का खर्चा है जी। तो चूंकि हमारा फोकस बाकी चीज़ों पे नहीं है और प्रॉफिट मोटिव भी नहीं है, मैं बच्चों की अच्छी पढ़ाई में ही इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए मुझे किताब नहीं बेचना है, मुझे यूनिफॉर्म नहीं बेचना है। और मुझे मालूम है कि पेरेंट्स जो अपने बच्चों को इस विद्यालय में भेजेंगे वो अच्छी शिक्षा के लिए भेजते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने मिनिमम कि पैंट प्रिस्क्राइब कर दिया, शर्ट प्रिस्क्राइब कर दिया, उसमें भी हम बहुत पार्टिकुलर नहीं है कि हाफ शर्ट होगा कि फुल शर्ट होगा, ठीक है, अब जिसको जो सहूलियत हो उस हिसाब से पहने, एक शूज प्रिस्क्राइब कर दिया, बेल्ट टाई ये सब पे हम लोग बिल्कुल बंदिश नहीं लगा रहे हैं, और ये इसलिए कि लोगों का खर्चा कम रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सस्ती लेकिन क्वालिटी वाली शिक्षा का लाभ उठाए। इसमें मैं अभी देख रहा था, ये बहुत ही मतलब अच्छे वाली बात है कि जनरली ये देखा गया है कि प्रवेश परीक्षा के लिए किताब ले जाना कहीं भी किसी भी एग्जाम में प्रतिबंधित होता है, लेकिन मैं देख रहा था कि आपके स्कूल में प्रवेश परीक्षा के लिए किताब को आपने प्रतिबंधित नहीं किया है, तो इसके पीछे का क्या तर्क है? तर्क के पहले मैं एक काउंटर एग्जाम्पल दूंगा जी। जैसे IIT की प्रतियोगिता परीक्षा होती है जी। सिविल सर्विसेज की प्रतियोगिता परीक्षा होती है, तो जितने ग्रेजुएट हैं अपने, मान लीजिए कि बिहार के जो ग्रेजुएट हैं, मैं बाकी सारे ग्रेजुएट को बोलता हूं कि आप किताब नहीं ले जा सकते हो, और एट रैंडम किसी ग्रेजुएट को बोलता हूँ कि आप जो चाहे सो किताब लेके जाओ, तो वो किताब लेके जाएंगे तो क्या उस प्रतियोगिता परीक्षा में पास कर जाएंगे? क्या हर एक 12वीं के बच्चा को मैं इस बात की छूट दे दूँ कि जो किताब मर्जी सो किताब लेके जाओ, तो क्या वो IIT का प्रश्न पत्र सल्व कर देगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। करेगा वही जिसने समझ के पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये एक मिथ है, ठीक है। अब हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हर जगह जो बंद किताब वाली परीक्षा है, ये बच्चे के दिमाग में रटने का भूत बिठा दिया है। एक फिल्म आई थी PK, ठीक है, PK में बोलता है, PK मेरे नाम का एब्रीविएशन भी है, प्रमोद कुमार राय PK है, मेरे फ्रेंड्स मुझे PK बोला करते थे तो, कि कील मार के बैठ गया। तो ये बंद किताब वाली एग्जाम जो है वो कील मार के बैठ गई है कि आपको रट लेना है, ये फॉर्मूला रट लेना है, वो रट लेना है, और बच्चा जितना रटता है समझने वाली चीज़ों से उतना ही दूर होता है। टीचर के लिए भी आसान है कि किसी भी किताब से कोई सवाल आप दे दो, आपका एग्जामिनेशन हो गया। लेकिन यदि आप खुली किताब वाला एग्जामिनेशन देंगे तो टीचर को मेहनत करना पड़ेगा, आपको ऐसे सवाल पूछने पड़ेंगे जो किताब से पलट के कॉपी करके आंसर नहीं लिख सके, ठीक है। तो खुली किताब वाली एग्जाम जो है वो आपकी समझ को बढ़ाएगा, रट्टा से आपको दूर रखेगा। और प्रतियोगी परीक्षाओं में भले ही वो बंद किताब वाली एग्जाम होती है, जिन लोगों का सिलेक्शन होता है उनके बगल में आप किताब रख भी दें, वो किताब खोल के नहीं देखेंगे, चूँकि किताब खोल के देखेंगे तो परीक्षा पूरा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होता है जो रटते नहीं हैं बल्कि समझ के पढ़ाई करते हैं। ये हैबिट
मैं अपने बच्चों में बिल्कुल शुरू से डालना चाहता हूँ कि चूंकि रियल लाइफ सिचुएशन है, आज मैं वकालत करता हूँ, तो क्या मुझे किसी ने मना किया है कि आप किताब नहीं देखोगे? हम तो किताब देखते हैं कोर्ट में। कोई आर्किटेक्ट है, कोई डॉक्टर है, वो किताब देख के काम करे तो क्या किसी को बुरा लगता है? बल्कि वो नहीं देखता है तो मुझे बुरा लगता है, वो किताब देख के काम करे तो मैं ये समझूंगा कि ये डॉक्टर साहब पढ़ाई लिखाई में रुचि रखते हैं, आज भी अपने को अपडेट रखते हैं, डाउट होता है तो किताब देखते हैं और याद से उल्टी पुल्टी दवाइयाँ नहीं लिखते हैं। तो ये हैबिट मुझे अपने बच्चों में डेवलप करानी है। सर, जैसे बात हो रही है कि अच्छी शिक्षा की कमी है बिहार में, इसके अलावा मैं देखता हूँ बहुत सारे छात्रों से मिलता हूँ जो प्रतियोगी परीक्षाएं जो देते हैं, तो उनका ये हमेशा ये जवाब होता है कि रिजर्वेशन की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। जो लोग एलिजिबल हैं रिजर्वेशन के लिए, वो ये बड़े आश्वस्त रहते हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन वो हो नहीं पाता है। तो इसके पीछे मतलब आप क्या देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है बिहार के छात्रों के साथ? तीन तरीके की समस्याएं हैं, ठीक है, ये भी एक आज के रेट में काफ़ी बर्निंग इशू है। कोई भी आदमी यदि सफल होता है और उसे पूछे कि तुम क्यों सफल हो गए, वो कभी नहीं बोलेगा कि दूसरे ने मुझे ज़बरदस्ती सफल करा दिया, इसका क्रेडिट उसी को जाता है, मैंने मेहनत की मैं ये हो गया। जो भी असफल होता है वो अपनी असफलता का ठीकरा किसी न किसी के माथे पर फोड़ता जरूर है। ज्वाइंट फैमिली थी, सपोर्ट नहीं किया इसलिए मैं नहीं पढ़ पाया, पिताजी जल्दी चल बसे इसलिए पढ़ाई छोड़नी पड़ी, आदि आदि, ठीक है। तो जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं देते हैं उसमें रिजर्वेशन के ऊपर ठिकरा फोड़ना बड़ी आम बात हो गई है कि रिजर्वेशन है इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब थोड़ी सच्चाई पे आते हैं, जैसे IIT एंट्रेंस टेस्ट है, 12,000 सीट है आज के डेट में, 6,000 उसमें ओपन सीट है और 6,000 आपका रिजर्व सीट है, ठीक है। तो रिजर्वेशन के चलते तो वो आदमी बोले ना कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जो ये बोले कि मेरा रैंक 7,000 था तो रिजर्वेशन नहीं होता तो मैं 12,000 के अंदर था, सिलेक्ट हो जाता, लेकिन उसने टेस्ट दिया और उसकी रैंक 4,00,000 है, 3,00,000 है, तो रिजर्वेशन नहीं होता तो भी उसका नहीं होता। अधिकांश लोग जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है वो इसलिए नहीं हो रहा है कि उनमें वो क्वालिटी नहीं है, रिजर्वेशन नहीं होता तो भी वो लिस्ट के बाहर थे, वो बस नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली बात है। उसी तरीके से रिजर्वेशन में भी मैं देखता हूँ कि जो लोग ज़्यादा स्लोगन साउटिंग में हैं कि मुझे तो रिजर्वेशन है मैं क्लेम करूँगा और ये हो जाएगा, उनका सिलेक्शन होता नहीं है। चूँकि अब जैसे सिविल सर्विस है, 1,000 सीट है, उसमें 15% शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, यानी करीब 150 सीट पूरे इंडिया में। आपको क्या लगता है 150 शेड्यूल कास्ट के बच्चे सिविल सर्विसेज दे रहे हैं कि जो देगा उसका हो जाएगा? 25 करोड़ से ज़्यादा उनकी आबादी है शेड्यूल कास्ट की। तो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से सिलेक्शन पता है किसका होता है? उस बच्चे का होता है जो ये सोच के एग्जाम देता है कि कोई रिजर्वेशन नहीं है, मैं जनरल वालों से कम्पीट कर रहा हूँ। जो कंसेप्ट बेस्ड शिक्षा हासिल करता है उस बच्चे का होता है, और जिसको ये लग गया कि नहीं उसको जनरल से कोई कंपटीशन नहीं है, उसके पास तो रिजर्वेशन है, उसका आसानी से हो जाएगा, वो इस लिस्ट के बाहर रहता है, वो केवल स्लोगन देता है, ठीक है। उसी तरीके से कभी बोलते हैं कि सरकार ने बहाली इशू नहीं की, रिक्रूटमेंट रोक रखा है इसलिए मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, ये भी ठीक नहीं है। जिस दिशा में इकोनॉमी बढ़ रही है, अब सरकार एक मेजर एम्प्लॉयर नहीं है, सरकारी क्षेत्र का एम्प्लॉयमेंट बहुत छोटा है और सरकार तो ज़्यादा तनख्वाह भी नहीं देती है, ठीक है। यदि मैं सरकारी तंत्र में रहता तो ये विद्यालय नहीं खोल पाता, ठीक है। तो यदि आप में काबिलियत है तो आपको प्राइवेट सेक्टर में एक से एक एम्प्लॉयमेंट है। जो देश की सबसे बड़ी परीक्षा है सरकारी क्षेत्र की, जिससे लोग IAS बनते हैं, आज रिटायरमेंट के टाइम पे IAS की जो तनख्वाह है उससे बहुत ज़्यादा तनख्वाह बहुत सारे कॉलेज के फ्रेश ग्रेजुएट्स की है जो कल स्कूल कॉलेज छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो आप गुणवत्ता शिक्षा
में यदि जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और रिजर्वेशन, रिजर्वेशन किस किसको अफेक्ट करता है? ये तो केवल सरकारी क्षेत्र के नौकरी को अफेक्ट करता है जो मार्केट का 2% भी नहीं है। 98% में तो कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो ये एक ठिकरा फोड़ने वाली बात है, वो असल कारण है नहीं। तो सर, ये आपके साथ में सवाल और जवाब करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और बहुत मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आपने इतना बढ़िया वेदांता पब्लिक स्कूल हमारे चंपारण में लेकर आ रहे हैं। और इससे मुझे पूरी आशा है कि जो हमारे चंपारण के जो गरीब छात्र हैं उनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। और जो आपका कंसेप्ट है, इतना अच्छा कंसेप्ट आपने बताया और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, मुझे लगता है कि जो हमारे जो छात्र होंगे, भविष्य के जो छात्र होंगे हमारे वेदांता पब्लिक स्कूल के, उनको आपके इसके बहुत सारे ज्ञान प्राप्त होगा। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पर आए, और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि जल्दी से ये स्कूल ओपन हो जाए और हमारे बिहार के और हमारे चंपारण के जो गरीब छात्र हैं उनको इस स्कूल से लाभ मिले। धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि वेदांता पब्लिक स्कूल से पढ़े हुए छात्र कल को मुझसे आगे निकल जाएं और आके मुझे बोलें कि सर, मैं वेदांता का छात्र था और आपने जैसा काम किया इसका 10 गुना काम हम लोग कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी यदि मेरे विद्यालय का छात्र मेरे से आगे निकल जाता है। धन्यवाद।